इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और लेकर आए हैं हम आपके लिए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश कैसे कर रहा है नारी शक्ति को सैल्यूट, मोदी की मेगा रैली से बौखलाई ममता बनर्जी, और आज कहां पर निकल रही है ममता बनर्जी की एक और पदयात्रा, और साथ ही चीन को क्यों याद आई हिंदी चीनी भाई भाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये मौका है नारी शक्ति को सलाम करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर नारी शक्ति को सलाम किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी अजेय नारी शक्ति को सलाम। भारत अपनी मातृशक्ति की उपलब्धियों पर गर्व करता है। ये हमारी सरकार के लिए सम्मान की बात है कि हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है। नारी शक्ति के सम्मान में गुलाबी आभा बिखेर रहे हैं देश के बड़े रेलवे स्टेशन। सम्मान के साथ महिला दिवस की इन चार तस्वीरों में बड़ी पहल है ये दिखाने की कि आज की महिलाएं वो सब कुछ कर सकती हैं जो अमूमन पुरुषों के बूतों की बात मानी जाती है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से लेकर पुलिस स्टेशन, PCR और ट्रैफिक कंट्रोल तक आज का दिन महिलाओं के नाम होगा। बहुत बहुत एक तो आपको मुबारकबाद। क्या मैसेज आप देना चाहेंगी अपने स्टाफ को, महिला पुलिस कर्मियों को, और कैसी तैयारियां दिल्ली पुलिस कर रही है खासतौर पर महिला पुलिस कर्मियों को फ्रंट पर रखकर? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इंटरनेशनल वुमेंस डे। और इस इवेंट को हम पुलिस में ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे महिला पुलिस हर चीज़ में फोर फ्रंट पे है, चाहे वो क्राइम डिटेक्शन के लिए हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन के लिए हो, चाहे ड्यूटी ऑफिसर हो, चाहे इमरजेंसी ऑफिसर हो, चाहे हमारी जैगुआर व्हीकल्स हो, हर फ्रंट पे कैसे महिला पुलिस एक बहुत ही अटूट हिस्सा बन गई है आज की तारीख में दिल्ली पुलिस की फंक्शनिंग का। दिल्ली में करीब 80,000 पुलिस कर्मी हैं, जिनमें महिलाओं की तादाद 9,000 के करीब है। सांकेतिक रूप में ही सही, सुरक्षा की कमान सौंप कर दिल्ली पुलिस महिलाओं का हौसला बढ़ा रही है। इसके अलावा कहीं नुक्कड़ नाटक तो कहीं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, दिल्ली पुलिस की तरफ से खास तैयारी है महिला दिवस को यादगार बनाने की। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने अपने बड़े स्टेशनों को गुलाबी रंग में रंग दिया है। लखनऊ से लेकर मुंबई के सबसे बड़े स्टेशन CST और अंबाला से लेकर हुबली जैसे रेलवे स्टेशन महिला दिवस के लिए खास तौर पर सजाए गए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सुरक्षा में महिला ब्रिगेड को शामिल करने का ऐलान किया है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिला पायलट का नया क्रू बनाया है। यूपी में महिलाओं के लिए बड़ी मिसाल योगी सरकार का फैसला। आज जब बरेली एयरपोर्ट से पहली उड़ान शुरू होगी तो उसकी कमान महिला पायलट के हाथ में होगी। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के सिक्योरिटी की कमान महिलाएं संभालेंगी। देश की वायुसेना भी महिला दिवस पर नारी शक्ति को सैल्यूट कर रही है। वायुसेना में महिलाएं आज फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। इंडियन एयरफोर्स में अब तक 10 महिला फाइटर को कमीशन दिया जा चुका है। ये भारत के पहले एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट बैच से ज्वाइन किया था, और इनको देखकर मुझे लगता है एक लंबी कतार सी लग गई है। अब तो पहले आई थिंक शुरुआत में कितने थे भावना, मोना, कितने पायलट्स थे पहले? 3 कमीशनर्स, 3 थे ना जी। तो अभी टोटल 10 हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 100 भी हो जाएंगे। लेकिन अंजलि, आप इनके बाद आपने ज्वाइन किया है, तो आपकी प्रेरणा क्या ये थे या कुछ और था? ज्वाइन तो हमेशा से फाइटर्स में करना था, लेकिन जिस दिन मैंने इनके बारे में जाना कि हमारी 3 फाइटर पायलट्स हैं जो स्ट्रीम ओपन है अब फाइटर पायलट्स के लिए, उस दिन बहुत ही खुशी का दिन था और एक तरह से लगा कि हाँ, अब हम ये भी कर सकते हैं। महिला दिवस पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का प्लान पूरी तरह राजनीतिक है। ममता बनर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर उतरेंगी और रोड शो के जरिए पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार करेंगी। ममता बनर्जी की नींद तो रविवार को मोदी की मेगा रैली के बाद से ही उड़ी हुई है। जिस वक्त पीएम मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में रैली को संबोधित कर रहे थे, ममता बनर्जी 550 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में रोड शो कर रही थी। पीएम मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड के मंच से जो कहा उसने दीदी की बेचैनी जरा बढ़ा दी है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार,
बाजी हार नो तोला बाजी हार नो कट मनी हार नो कट मनी हार नो सिंडिकेट हार नो ममता के खिलाफ जब पीएम मोदी के साथ पब्लिक के सुर बुलंद हो रहे थे तब सफेद साड़ी पहनी ममता बनर्जी अपनी महिला ब्रिगेड के साथ सिलीगुड़ी में महंगाई को लेकर माहौल बना रही थी। आज ऐसी ही तस्वीर कोलकाता से आने वाली है। महिला दिवस पर आज ममता बनर्जी कोलकाता में पदयात्रा पर निकलेंगी। ये पदयात्रा कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक होगी, जिसमें ममता बनर्जी के साथ टीएमसी की महिला ब्रिगेड साथ रहेगी। যে প্রধানমন্ত্রী আপনি বাংলায় কোনো কাজ তো করতে আসেন না, উৎসাহ করতে অপপ্রচার করতে আসেন, সেটা আপনি রাজনৈতিক কারণে আসতেই পারেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি বাংলায় আজকে প্রচার করতে এসেছেন, প্রচার করবার আগে জবাব দিন, কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে, এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री को बंगाल में कुल 20 चुनावी सभाएं करनी है, जबकि ममता बनर्जी भी दर्जनों रोड शो रैली से टीएमसी का झंडा बुलंद करने वाली हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी के निशाने पर आ गए हैं और टीएमसी नेता शौकत रॉय ने दावा किया है कि ईडी के डर से मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन की। पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी का झंडा उठाने वाले मिथुन चक्रवर्ती को लेकर टीएमसी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल में अपना ट्रम्प कार्ड मान रही है, लेकिन ममता की पार्टी का कहना है कि घाट घाट का पानी पीने वाले मिथुन की बंगाल में कोई विश्वसनीयता नहीं है। And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress, he was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases, then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. इससे पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने अपने ही अंदाज में टीएमसी को हराने का दावा किया। अमी जल ढोड़ाओ नई बेले बोड़ाओ नई अमी एकटा कोबरा गोखड़ो अमी एक छो बोले छोबी एबार किंतु एटाई होबे। अपने भाषण में मिथुन ने ममता की बंगाली बनाम बाहरी की पॉलिटिक्स पर जोरदार हमला बोला। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है, और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन आज टीएमसी पर हमलावर हैं, लेकिन साल 2014 में ममता ने मिथुन को राज्यसभा सांसद बनाया था। हालांकि 2 साल बाद मिथुन ने इस्तीफा दे दिया था। अब बीजेपी में आने के बाद मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं वो नेता नहीं बल्कि उन्हें नेता मिल गया है। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है और बजट सत्र के दूसरे चरण के हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। सरकार का फाइनेंस बिल पारित कराने पर फोकस होगा। इस दौरान कई अहम विधेयकों पर भी चर्चा होगी, लेकिन महंगाई और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से ये सत्र बहुत कम वक्त का होगा। दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने जिन विधायकों को चर्चा के लिए शामिल किया है उनमें पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक 2021, राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसंरचना और विकास बैंक विधेयक, विद्युत विधेयक 2021, क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियामक विधेयक 2021 शामिल है। इस बीच राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पेश करेंगे। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। बॉर्डर पर मुंह की खाने के बाद चीन को फिर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा याद आया है और चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि दोस्त होने के नाते भारत और चीन को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए।
ये है चीन के विदेश मंत्री। राजधानी बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और विदेश मंत्री की जबान से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा निकल रहा है। भारत और चीन दोस्त हैं, पार्टनर हैं, न कि प्रतिद्वंदी और एक दूसरे के लिए खतरा हैं। तो क्या 10 महीने के डोज में चीन के होश ठिकाने आ गए? वरना अपनी सेना और हर साल बढ़ते रक्षा बजट के दाव में दोस्ती कम ताकत की अकड़ ज्यादा दिखाता रहा है। पिछले 10 महीनों में लद्दाख बॉर्डर्स पर चीन यही कर रहा था। चीन की विस्तारवादी चाल की वजह से गलवान से लेकर पेंगोंग से के इलाके में 10 महीने से ज्यादा वक्त तक तनाव रहा, युद्ध की स्थिति बनी रही, झड़पें तक हुई। आखिरकार 10 दौर की बातचीत के बाद चीन को लग गया कि आज का भारत 1962 वाला नहीं। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आज दिल्ली की एक कोर्ट फैसला सुना सकती है। साल 2008 में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान फरार होने वाले आरिस खान को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। पूरे देश की निगाहें आज दिल्ली की साकेत कोर्ट पर लगी हैं, जहां आज यह तय हो सकता है कि आरिस खान का क्या होगा। दिल्ली पुलिस ने आरिस खान को बाटला हाउस एनकाउंटर के 10 साल बाद 2018 में भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़ा था। पुलिस का आरोप है कि आरिस एनकाउंटर के वक्त उस घर में मौजूद था और मौका देखकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो दलील दी है उसके मुताबिक आरिस खान उर्फ जुनैद का संबंध आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से है। बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त आरिस उसी घर में मौजूद था। एनकाउंटर के वक्त आरिस मौके से फरार हो गया था। इसके बाद आरिस 10 सालों तक पुलिस से भागता रहा। कई बार ऐसे मौके भी आए जब दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठे, लेकिन आरिस की गिरफ्तारी के बाद आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आना है। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज संदीप यादव अपना फैसला सुनाएंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस केस को सरकारी वकील एटी अंसारी लड़ रहे हैं, जबकि आरिस खान का पक्ष वकील एमएस खान रख रहे हैं। पिछले 4 सालों से आरिस की पेशी अदालत में हो रही है, जबकि बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में हुआ था। महाराष्ट्र सरकार आज अपना दूसरा सालाना बजट पेश करने वाली है और बजट में कोरोना महामारी की वजह से नई योजनाओं में कटौती दिख सकती है। महाराष्ट्र के लोगों की नजर आज पेश होने वाले सालाना बजट पर लगी है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार और राज्य मंत्री बजट पेश करेंगे। बजट के दौरान मुंबई के चर्चित मनसुख हिरेन मौत मामले में विपक्ष हंगामा कर सकता है। बीजेपी ने मनसुख केस और एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो मिलने वाले मामले की जाँच NIA से कराने की मांग की है। बजट की बात करें तो महाविकास अघाड़ी सरकार का ये दूसरा सालाना बजट है। अजित पवार दोपहर 2 बजे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे। बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए राहत भरे ऐलान के आसार हैं। वहीं कोरोना महामारी की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस रह सकता है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में विकास दर में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, लेकिन जिस वक्त महाराष्ट्र के सदन में बजट पेश हो रहा होगा उसी वक्त सरकार के नुमाइंदे मनसुख हिरेन मौत मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर होंगे। बिहार के बांका में JDU विधायक नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल को दबंगई भारी पड़ी। जमीन पर कब्जे के लिए पहुंचे विधायक गोपाल मंडल को लोगों ने कई घंटों तक बंधक बनाया। नीतीश कुमार क्या बोला है, बम और राफेल लेके चलिए। 50 आदमी का अरेस्टी कचहरी। ये है बिहार के गोपालपुर से JDU विधायक नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल। गोपाल मंडल अपने दल बल के साथ बांका में एक जमीन पर कब्जे के लिए पहुंचे तो उन्हें स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। पहले सामुराक भाई आप लोग सब कुछ खड़ा होगा, किसी की बात नहीं चलेगा। दरअसल बांका के श्याम बाजार इलाके में 20 एकड़ जमीन है। विधायक गोपाल मंडल का दावा था कि यह जमीन उन्होंने खरीदी है और वो इसे देखने आए हैं। जमीन हम लिखवाया है पर 20 एकड़ ना, अभी हम देखने के लिए ये सब मकान क्यों बना रहा है, यही बतवार कोई बात ही नहीं। राइफल लेके आने का क्या जरूरत है, जब देखने के लिए राइफल इतना लेके चलते हैं भाई। नहीं ये तो ठीक है अंकल, आप लेकर के चलते सब बात सही है, पर लोग को तो डर हो गया ना। इस बीच विधायक के लोगों से स्थानीय लोगों की नोकझोंक शुरू हो गई, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब उनके गुर्दों ने नंद किशोर यादव नाम के शख्स का कॉलर पकड़ दिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।